बताएंगे कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो पे खुद का एड ब्रेक्स लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका वीडियो अपलोडेड वीडियो 10 मिनट्स या 10 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का है, तो ये आप एड ब्रेक्स आप लगा सकते हो। तो चलो मैं इसे एक उदाहरण के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं, ये मेरा के हिंदी ज्ञान चैनल है, हिंदी में है, और एक मेरा यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश में है, जो बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग पे मैं करता हूँ। तो इस पे मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप एड ब्रेक्स कैसे लगा सकते हैं। के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें ये डेमो नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये डेमो आपको के जावा ट्यूटोरियल्स पर दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने यूट्यूब चैनल में लॉग हो जाएंगे। लॉग इन होने के बाद आपको क्लिक करना है ये वीडियो मैनेजर पे। वीडियो मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज यहाँ दिखेंगे। जो भी वीडियोज आपने अभी तक अपलोड किए हैं, वो सारे वीडियोज यहाँ दिखेंगे। तो एड ब्रेक्स लगाने के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके वीडियो का ड्यूरेशन 10 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप एड ब्रेक्स नहीं लगा सकते। तो ये आप देख सकते हो कि ये वीडियो 8 मिनट्स 59 सेकेंड्स है, राइट? तो इस पे हम नहीं लगा सकते। ये भी 10 मिनट का नहीं है, तो हमें सर्च करना है वैसा वीडियो जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट या 10 से ज़्यादा मिनट का है। तो ये आप देख सकते हो 12 मिनट्स 48 सेकेंड्स का है, तो इस पे हम एड ब्रेक्स लगा सकते हैं। तो एड ब्रेक्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको जिस वीडियो में एड ब्रेक्स लगाना है, जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट या 10 से ज़्यादा मिनट का है, उस पर एडिट पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने एडिट पे क्लिक किया। एडिट में क्लिक करने के बाद यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इधर 4 टैब है, राइट? तो इसमें एक मोनेटाइजेशन का टैब है, मोनेटाइजेशन पे आपको क्लिक करनी है। और आप देख सकते हैं कि वीडियो का मोनेटाइजेशन इनेबल है। और यहाँ मैंने ऐड अभी तक क्या लगाया है, बिगिन बिफोर बिफोर वीडियो और आफ्टर वीडियो, मतलब वीडियो के शुरू में और आखिरी में दो एड्स जो है वो मैंने टिक कर दिया है, चेक बॉक्स है। लेकिन इस वीडियो का ड्यूरेशन चूंकि 10 मिनट से ज़्यादा का है, तो मैं और भी एड्स लगा सकता हूँ और इससे कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ ज़्यादा, राइट? तो चलो हम सीख लेते हैं कैसे हम एड ब्रेक लगाएं। तो ये देख रहे हो ये वर्टिकल बार, इसको आपको ड्रैग करके ले जाना है, जहाँ पे एड्स लगाना है वहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ जैसे इस वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 12 मिनट्स है, 12 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि 3 मिनट में एक वीडियो एक एड्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। इसको देख सकते हो, इसको ले के कहीं भी जा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, 3 मिनट पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद ये जो देख रहे हो ऐड, इंसर्ट ऐड, इस पर क्लिक करना है। तो इसको मैं ड्रैग करोगे तो देख सकते हो ये 3 मिनट पर एक ऐड इंसर्ट हो गया। जैसे ही वीडियो कोई वॉच करना शुरू करेगा, देखना शुरू करेगा और 3 मिनट पे पहुँचेगा, तो वहाँ पर एक ऐड आना शुरू हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको ड्रैग करके मैं क्या करता हूँ कि 7 मिनट्स के आसपास, 7 मिनट्स पे, लेट्स से कि 7 मिनट्स ऑन 1 सेकेंड, इस पे मैं एक और ऐड डाल लेता हूँ। यहाँ डालने के यहाँ ये ड्रैग यहाँ रखने के बाद वर्टिकल बार को इंसर्ट ऐड पे आगे क्लिक किया, या यहाँ देख सकते हो कि और ऐड इंसर्ट हो गया। इसके बाद मैं एक और ऐड डाल देता हूँ जो 10 मिनट, लेट्स से 11 मिनट पे, और इंसर्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ भी ऐड शुरू हो गया। तो एक शुरू में ऐड, एक आखिरी में ऐड, और बीच में मैंने 3 ऐड डाल दिया। दोस्तों, यूँ तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितना ऐड डालना चाहो, ऐड इंसर्ट ऐड करके आप डालते जाओगे। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप ऐड डाल दोगे तो जो आपके वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो लिमिटेड ऐड्स डालें, यदि 12 मिनट का ऐड है तो बीच में 2 या 3 ऐड्स डालें। यूजुअली मैं 2 डालता हूँ, लेकिन डेमो पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ 3 दिखा दिया है। तो इस तरह से आप ऐड इंसर्ट कर सकते हो यदि आपके वीडियो 10 मिनट या 10 से ज़्यादा मिनट्स का है। तो यही एक तरीका है। ये सब करने के बाद आप यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। और लेट्स से कि ये ऐड आपको रिमूव करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो एक हाइपर लिंक है, एडिट ऐड ब्रेक्स इन बल्क। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हो कि 3 मिनट्स पे एक ऐड है, इसके बाद 7 मिनट्स 1 सेकेंड पे है, 11 मिनट्स पे ऐड है। यहाँ आप कॉमा दे के मैनुअली भी लिख सकते हो, राइट? कॉमा दे के ऐसे 12:00 और 0:00, तो 12 मिनट्स पे एक और ऐड डाल जाएगा। लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 12 मिनट्स पे मुझे नहीं डालना है। तो ये भी एक तरीका है, यहाँ से एडिट ऐड ब्रेक्स इन बल्क ऐसे भी क्लिक करके और एडिट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो 3 ऐड मैंने बीच में
वीडियो के बीच में लगा दिया है। तो यही एक तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये सब करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे जरूर क्लिक करना है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत घनेरो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दुनिया से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे और मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो इस पर अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े और फ़ायदा उठाएं। यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप यूट्यूब क्रिएटर नहीं हैं, स्टिल बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहाँ पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।